नमस्कार दोस्तों, हरिओम, स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस क्रिया का नाम है जल नीति क्रिया। जल नीति क्रिया करने के लिए आपको, यह योग का एक शोधन क्रिया है, योग में 6 प्रकार की शोधन क्रियाएं बताई गई है, तो उसमें से एक क्रिया जल नीति भी है। जल नीति करने के लिए आपको एक पात्र की जरूरत पड़ती है, जिसको हम नेति पाट बोलते हैं। नेति पाट कई प्रकार का होता है, ये तो स्टील का है जिसको मैं यूज करता हूँ। इसमें इस प्रकार की एक टोटी निकली होती है, इस पे टोटी पे एक आप देख रहे हैं कि इसका मुंह जो बना है ना, इसी को अपने नासिका में हम सेट करते हैं, नाक में सेट करते हैं, और नाक से एक नासिके एक नास्टल से पानी डालते हैं, दूसरे नास्टल से निकलता है, फिर दूसरे नास्टल से पानी डालेंगे, फिर पहले से निकलेगा। तो ये तो स्टील वाली हो गई, आपको मार्केट में इस प्रकार की प्लास्टिक वाली भी मिल सकती है, प्लास्टिक का है नेति पॉट। और एक दूसरा प्लास्टिक का नेति पॉट ये है, ये थोड़ा चिपटा है, आप इसको देख लें, छोटा सा है, इसमें ज्यादा पानी नहीं आएगा। तो इन दोनों को मैं किनारे करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं आपको इससे प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। ये तो हो गया नेति पॉट। आपको चाहिए गर्म पानी, तो मैं गर्म पानी अपने साथ लेकर आया हूँ, आप गर्म पानी इसमें डालेंगे। पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, पानी उतना ही हो जितना आप नासिका के अंदर डाल सकें। आपको पता है कि नाक के अंदर जो हमारी जो स्किन है, म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, बहुत पतली है, इसलिए पानी बहुत गर्म ना हो। आप ठंडे पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि गर्म पानी से करिए, अक्सर गर्म पानी से ही किया जाता है, क्योंकि आप ठंडे पानी से करेंगे तो नाक में गर्म पानी आसानी से उससे हो जाएगा, लेकिन ठंडे पानी से करेंगे तो ठंडा पानी चुभता है नाक में, इसलिए गर्म पानी से करें। तो गर्म पानी मैंने डाल दिया, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगा। नमक आप मान लीजिए, मेरा ये जो पात्र है ये 250 ml का है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आधे चम्मच के करीब नमक डालूंगा, इसको अच्छे से मैं मिलाऊंगा। ये मैंने नमक डाल दिया है, ये पूरा मैं मिलाया इसको। पानी आपका साफ हो, पानी मुझे थोड़ा सा गर्म लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं ठंडा पानी मिला दूंगा इसमें। हाँ, अब ठीक है, मैंने पूरा पानी नहीं भरा है, आधा पानी है, क्योंकि मुझे आपको करके दिखाना है। तो अब मैं इसमें गर्म पानी ले लिया हूँ, थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया हूँ, और अब मैं चेक करता हूँ कि पानी कितना गर्म है। थोड़ा सा भी ज़्यादा गर्म लग रहा है, आप ऊपर उल्टा हाथ करके इस पर गिराएंगे तो आपको खुद लग जाएगा कि पानी गर्म है। मैं थोड़ा पानी और मिलाया ठंडा, अब ये हो गया है करने लायक। इसको करने के लिए आप अपने दोनों नासिका को पहले चेक कर लें कि किस नासिका से सांस अच्छे से आ जा रही है। कभी कभी क्या होता है कि ये दाहिनी वाली से सांस अच्छे से आती जाती है, कभी बाएं से होता है। चेक करने का तरीका बहुत आसान है, आप अपनी राइट नास्टिल को चेक करें, बाएं से सांस लें और छोड़ें। फिर मैं बाएं को दबाया, बाएं नासिका को दाहिनी से सांस लिया और छोड़ा। हाँ, तो आप इतना कर लेंगे तो मुझे जो पता चला कि मेरी जो राइट नॉस्ट्रिल है ये अच्छे से खुली हुई, यानी इससे अच्छे से सांस आ रही है जा रही है, तो मैं इसी से शुरू करूंगा। सेट करना है आपको इसमें ऐसे, इसके मुंह को आप अपने राइट नॉस्ट्रिल में सेट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले बैठने का तरीका जान लें कि इस स्थिति में बैठ के नहीं करते हैं तो फिर किस स्थिति में करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके पैर के पंजों के बल बैठना, यानी घुटने के घुटनों को मोड़ के कागासन में बैठना है। मैं आपको बता दूं, चलिए देखते हैं कैसे बैठते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप घुटने के बल बैठ जाएंगे। बैठने की विधि आप जान लें कि आपको घुटने के बल इस प्रकार बैठना है। मैं थोड़ा आगे आता हूं, तो आप थोड़ी क्रिया को और अच्छे से देखेंगे। जब आप इस प्रकार बैठ गए तो अब आप अपने इस टोटी को, मुंह को नाक में सेट करेंगे। एक जो सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको नासिका से सांस बिल्कुल नहीं लेना है पूरे क्रिया के दौरान। आप मुंह से सांस लेंगे, छोड़ेंगे धीरे धीरे, तो अपने आप पानी गिरने लगेगा। दाहिने से डालेंगे, बाएं से पानी गिरने लगेगा। नाक से अगर आप सांस लेते हैं तो नाक पानी थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, हो सकता है आपके कान में पानी चला जाए, इसलिए नाक से बिल्कुल भी सांस न लें। ऐसे बैठ गए, सिर को थोड़ा आगे झुकाइए ऐसे, और फिर बाईं ओर सेट कर लीजिए। इतना थोड़ा सा अंदर डालेंगे कि ताकि पानी दाहिने से ना गिरे, बाएं से गिरे। अब थोड़ा सा लोटे को नीचे से पकड़ना है, लोटे को ऐसे नहीं पकड़ेंगे, लोटे को आप नीचे से पकड़े ऐसे करें, थोड़ा झुकाएं, थोड़ा आगे झुकाना है और फिर बाईं ओर झुकाना है।
अब मुंह से सांस लेना है, अपने आप बाएं नासिका से पानी गिरने लगेगा। अब मैं लोटे को उठा रहा हूँ ताकि पानी मेरा राइट नॉस्ट्रिल्स में प्रवेश करे। आपके पास रुमाल जरूर होना चाहिए क्योंकि म्यूकस निकलता है, नासिका में पानी जाता है तो आपको पानी निकालना भी रहता है। तो आपने देखा कि मैंने दाहिनी नासिका से पानी डाला, बाएं से निकलने लगा। तो ये मैंने पूरा लोटे का पानी नहीं खत्म किया, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने के लिए किया हूँ। आप पूरा लोटा भर के भी कर सकते हैं। मेरी नासिका में भी पानी के कुछ अंश है, उसको मैं नाक छिड़क के निकालूंगा। आपको भी यही करना है, बहुत जोर से नहीं छिड़कना है, 10-15 बार हल्के हल्के छिड़केंगे ताकि पानी जो रुका है नाक के अंदर वो बाहर निकल जाए। इस प्रकार मैंने दाहिनी नासिका से जलनेति का अभ्यास किया, अब मैं बाएं नासिका से अभ्यास करूंगा। अगर आपका नाक जाम रहेगा तो इतने अच्छे से पानी नहीं गिरेगा जैसा मेरा गिरा है। हो सकता है शुरू में आपका बूंद बूंद पानी इसमें से गिरे, तो आप धीरे धीरे उसको करना जारी रखेंगे तो पूरी तरह से पानी फ्री फ्लो में गिरेगा। क्योंकि जब बूंद बूंद गिरता है तो आप समझ जाइए कि या तो आपकी मांस भरी हुई या आपके नासिका के अंदर म्यूकस भरा हुआ है, बलगम भरा हुआ है, और उसी की सफाई के लिए इसको हम कर रहे हैं। अब मैं बाई नासिका से कर रहा हूँ। अब आगे झुकाया थोड़ा सा, फिर दाहिनी ओर झुकाया, ऐसे इसको मैंने सेट कर लिया। और इस प्रकार नाक को छिड़क के हल्के से, बहुत जोर से नहीं छिड़केंगे। हाँ, जो बैठने की क्रिया विशेष है, आपको पंजों केवल बैठना है, सर थोड़ा आगे झुकाना है। आप सीधे करके अगर ऐसे झुकाएंगे तो पानी आपके गले में भी चला जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत मुंह में पानी कभी चला जाए तो आपको घबराना नहीं चाहिए, स्वाभाविक बात है। और आंख से आंसू भी कभी कभी आते हैं, नाक में पानी भी लगता है, तो भी ना घबराएं, आराम से करें। सिर को थोड़ा आगे झुकाएं, ऐसे आगे झुकाने के बाद ऐसे करें, ऐसे सेट करेंगे तो आसानी से गिरेगा। सीधे गर्दन करके नहीं करते हैं, आगे क्या लाभ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको जलनेति करके दिखाया दोनों नासिका से, राइट से और लेफ्ट से। जिनको नहीं करना है वो समझ लें कि जिनके नाक से ब्लड आता हो उनको जलनेति का अभ्यास नहीं करना है, बाकी लोग जलनेति का अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई बहुत अधिक इन्फेक्शन अंदर कटा पिटा हो तो भी आप इसका अभ्यास ना करें, बाकी सभी लोग बिना किसी नुकसान के इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इसका अभ्यास करने जा रहे हैं तो अपने मन से ना करें, किसी योग विशेषज्ञ से मिल लें, उनके सामने ही इसका अभ्यास सीखें। आप एक बार सीख लें तो उसके बाद अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए एलर्जी और सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है जलनेति का अभ्यास। आप इस अभ्यास को करें, आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद एक क्रिया और होती है जो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, वो है सूत्र नेति की क्रिया। ये उनके लिए है जिनको बहुत अधिक खर्राटे आते हो, जिनका मांस बढ़ गया, और इसको क्या करते हैं, रबर नेति है स्पेशली, इसको मैं नाक से डालूंगा और मुंह से निकालूंगा, ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसको मैं कभी बाद में करके बताऊंगा, देखा जाएगा। सूत्र नेति जो रबर नेति है, उसको करने से नाक का जो बढ़ा हुआ मांस खत्म हो जाता है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उनको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। तो फिलहाल आज मैंने आपको बताया जलनेति क्रिया के बारे में, जो कि एलर्जी के लिए और सर्दी जुकाम बार बार जो होता है उसके लिए बहुत ही रामबाण क्रिया है। जिनको आंखों से पानी आता हो वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि यह क्रिया जलनेति की हमारी साइनस ग्लैंड्स को प्रभावित करती है, उसको स्वस्थ बनाती है। जिनको साइनोसाइटिस की दिक्कत हो वह इस क्रिया का अभ्यास करें। आप जिनको बहुत अधिक समस्या हो सप्ताह में रोज इसको कर सकते हैं शुरुआती दिनों में, और जिनको कोई समस्या ना हो वो भी इसका अभ्यास अपने नासिका रंध्रों की सफाई के लिए करें।
दोस्तों, अगर आपको इस चैनल के वीडियोज अच्छे लगते हो, इसके कंटेंट अच्छे लगते हो जो मैं बनाता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरे हर वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जहाँ तक हो सके कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न जरूर पूछें कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। एक बात और जो बता दूं कि बिल्कुल तुरंत देख के अपने मन से कॉपी करने की कोशिश ना करें, आपके नज़दीक जो योग एक्सपर्ट हों उनसे मिल लें, तभी इन क्रियाओं का अभ्यास करें, क्योंकि इस वीडियो पे जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ आपकी सामान्य जानकारी के लिए है। इसको किसी डॉक्टर का परामर्श मान के ही एज इट इज नहीं अपनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। विश यू गुड हेल्थ फ्रेंड्स। थैंक यू।